तो हम बात कर रहे हैं D2O की, एक अच्छा टॉपिक है, ड्यूटेरियम यानी कि हैवी वाटर। ठीक है, तो लिख लीजिए हैवी वाटर। क्या जानते हो आप D2O के बारे में? लिखना शुरू करो। देखो, फर्स्ट थिंग, हाइड्रोजन का आइसोटॉप H होता है, प्रोटोनियम। दूसरा हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है D2, ड्यूटेरियम। तो अगर मैं D2 के लिए बात करूंगा तो इसको क्या बोलूंगा? हैवी वाटर। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। इसका मॉलिकुलर वेट कितना होगा? वाटर का कितना होता है? H2 का 18। लेकिन ड्यूटेरियम होने की वजह से ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट कितना है? 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हुआ? 8, आपके पास 16 है, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 तो कितना हुआ? 20। तो देखा जाए तो एक नॉर्मल वाटर का जो मोलर मास होता है वो 18 होता है, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है? 20, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ठीक है, इसीलिए हैवी वाटर बोल रहे हैं हम। लेकिन हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये क्या प्रॉपर्टीज शो करेगा? तो मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली चीज, D2 और H2 में जो रेशियो होता है, मान लीजिए ये आपके पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में आपके पास 6,000 लीटर वाटर है, लेकिन प्योर वाटर नहीं होता, इट इज द मिक्सचर ऑफ D2 एंड H2O। समझ में आ रही है बात? तो बताइए इसके अंदर H2O और D2O कितना होगा? D2O होगा इस जगह 1 लीटर, मतलब 6,000 लीटर का टैंक है, तो उसमें 1 लीटर आपको D2O देखने को मिलेगा, बाकी 5,999 लीटर आपको H2O देखने को मिलेगा। तो एक तरह से H2O और D2O का लगभग रेशियो कितना आ जाएगा? 6,000 लीटर। इसको ऐसे मान लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, 6,000 लीटर। तो ये हमारे पास रहेगा 6,000 अप्रोक्सीमेट 1, ये रेशियो रहता है एक नेचुरल वाटर सोर्स में। लेकिन हम चाहते हैं कि ये अलग हो और इसकी कुछ इंपॉर्टेंस हम देखें। तो यूजेस ऑफ D2, यूजेस ऑफ D2। यूजेस पढ़ने से पहले एक और टर्म आप अच्छे से जानते हो, ये आपके पास क्या है? H2O यानी नॉर्मल वाटर, ये हैवी वाटर। अगर यहाँ पर बॉन्ड एंगल थीटा है, थीटा, और यहाँ आपके पास अलग मान लीजिए, इसको थीटा डैश मान लीजिए, कौन सा एंगल ज्यादा होगा, थीटा या थीटा डैश? क्यों? देखो, लगभग लगभग कोई भी बुक कोई भी कमेंट नहीं करती इसके बॉन्ड एंगल में कितना फर्क आएगा। रीजन बहुत छोटे हैं, बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज है, तो जो भी बोला जा रहा है वो सिर्फ थ्योरेटिकल बोला जाएगा इस जगह कि कौन ज्यादा आएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बल्कीनेस तो आप बिल्कुल ही मत बोलो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के कंपेयर में ड्यूटेरियम हो या हाइड्रोजन हो, दोनों ही बहुत छोटे हैं। बल्कीनेस कब काम आता है? फैक्टर तब लगता है जब छोटे पे बड़ा लगा हो, बड़े पे छोटे एटम में बल्कि नहीं लगता। तो हम आंसर किसे देते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की ज्यादा है, ड्यूटेरियम की क्या है? कम है। जब ड्यूटेरियम की कम है तो जो पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो ऑक्सीजन के और ज्यादा पास आएंगे, बॉन्डिंग पेयर, और ज्यादा पास आएंगे तो उनमें क्या होगा? रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली आपका आंसर सही था कि D2O के अंदर ज्यादा होगा, लेकिन रीजन गलत है। बल्किनेस आप बोल सकते हो ड्यू टू लोन, ये क्या, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, सेंटर एटम के पास जाता है,
और उस हिसाब से आपका बॉन्ड एंगल जो होगा वो डी ओ डी वाला ज्यादा होगा, किस बॉन्ड एंगल से? एच ओ एच से, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है, यूजेस ऑफ डी टू। अब यूजेस पे बात करते हैं, नंबर वन कैसा होगा हमारे लिए। सबसे पहले पॉइंट जो आप सही कह रहे हो कि ड्यूटेरियम का हमारे पास एक ड्यूटेरियम अलग ही दिख रहा होता है, ड्यूटेरियम। तो जो ऑर्गेनिक में मैगनीज होती है उसके बारे में पता लगाना है कि हाइड्रोजन मूव करा या OH मूव करा या OH करा, दिक्कत हो जाती है, उसके लिए हम ड्यूटेरियम यूज करते हैं। तो इट इज यूजफुल टू फाइंड द मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, या केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो ये हमारे को केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म बताने में मदद करता है कि भाई किस तरह से मूवमेंट हुआ है। अब ऑर्गेनिक में बहुत जगह मेरे से डिस्कस करेंगे कि हाँ ये स्टेप फर्स्ट होगी, कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट होगा या कार्बो एनायन होगा, लेकिन बोलते वक्त मेरे पास कॉन्फिडेंस तभी होगा जब मेरे को ड्यूटेरियम में लेके चलता हूँ। सेकंड, बहुत सी जगह ड्यूटेरियम कंपाउंड बनाने होते हैं तो हम बेसिक सॉल्वेंट यही लेते हैं, तो क्या बोलेंगे हम? टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्यूटेरियम कंपाउंड, जो भी आपके पास है ड्यूटेरियम कंपाउंड। एक और जगह हम यूज करते हैं इसका, और वो है, सबसे ज्यादा यूज यहीं पर है, बाकी सब तो ठीक है, वो है पावर प्लांट। कौन से? न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते होंगे कि अल्फा पार्टिकल आता है और वो यूरेनियम के बड़े एटम पे टकराता है और वो बेरियम और स्ट्रॉन्शियम में डिसोशिएट हो जाते हैं, ऐसा कुछ पढ़ते होंगे आप, छोटे न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें वो अल्फा पार्टिकल की स्पीड कंट्रोल करनी है, क्योंकि अगर वो जल्दी से जाएगा तो ज्यादा क्वांटिटी में हीट एक ही बार में निकल जाएगा, मतलब जो पावर प्लांट से एनर्जी आपको 10 साल में मिल चाहिए, आपको तो धीरे धीरे चाहिए, एक ही दिन में थोड़ी ना पावर प्लांट चालू करके बंद कर दो, तो धीरे धीरे चाहिए, उसके लिए हमें ये यूज करना पड़ता है। तो रिएक्शन को क्या करना पड़ता है? स्लो करना पड़ता है, नहीं तो एटॉमिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, समझ में आ रहा है? उसको स्लो करने के लिए जो सॉल्वेंट यूज होता है वो D2 है, तो उसको बोलते हैं मॉडरेटर। इट इज यूज एज मॉडरेटर, मॉडरेटर एंड कूलेंट दोनों का काम करता है, एंड कूलेंट इन इन एटॉमिक पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, कूलेंट का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो अंदर की हीट को बाहर लेके आए और साथ में जंग भी नहीं लगने दे। तो जो एल्यूमिनियम या जो आयरन के इंस्ट्रूमेंट अंदर होते हैं उसमें वाटर की वजह से जंग तेजी से लगता है, D2O में थोड़ा धीरे लगेगा, लगेगा तो सही। तो D2O कहीं ना कहीं आपको उस वाटर की जगह जो जंग लगने वाला था, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो थोड़ा कम कर देगा। तो ये एप्लीकेशन है D2O की, लिखें। हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है H2O2। क्या बोलेंगे H2O2 को? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड कैसा दिखेगा? देखने में तो अपन ऐसे लगा सकते थे कि ये इस तरह से बोल सकते थे। और जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, सिंगल से, डबल से नहीं, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? परऑक्साइड बॉन्ड, परऑक्साइड बॉन्ड। परऑक्साइड बॉन्ड के अंदर एक तरह से देखा जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो परऑक्साइड बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? पर ऑक्साइड बॉन्ड
बॉन्ड आप पहले भी जानते हैं, इन विच ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्डेड विद सिंगल बॉन्ड, विद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये है हमारे लिए H2O2 एंड बोथ द ऑक्सीजन हैव माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दोनों ही हमारे लिए माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। अब दिखने के लिए कितना अच्छा हो गया कि H2O2 इस तरह का दिख रहा है, लेकिन रियल स्ट्रक्चर क्या होगी H2O2 की? रियल स्ट्रक्चर ये इस तरह से होता है। मान लीजिए ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन इस तरफ होगा और दूसरा हाइड्रोजन इस तरफ से होगा। इसको बोलेंगे हम ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। जैसे बुक को खोलते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही लिख लीजिए, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर। आपको ओपन बुक कैसे दिखती है? ये मान लीजिए पेज खोला आपने, ये बुक है आपके, तो ये बुक का इस तरह से रखा हुआ है, एक पेज इस तरह से, एक पेज इस तरह से। तो यहां आपके पास एच ए, यहां एच ए, पूरी बुक ऐसे है, और ये ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम, ओपन बुक। ये ऊपर है तो ये नीचे होता तो वो ऊपर होता, कोई डाउट? अब इसका जो लोन पेयर होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होंगे, वो 3D में इस तरह से होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा? ये ऐसे होंगे, मान लीजिए ये बॉन्ड है, एक ऊपर गया, एक इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ जाएगा, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। लेकिन दोनों अगर यूं देख रहे हैं तो दोनों नीचे की तरफ ही होंगे, होंगे नीचे, लेकिन एक बाहर एक अंदर। अब आपको ये एक बाहर और एक अंदर की तरफ, इसमें ये वाले जो लोन पेयर होंगे ये ऊपर की तरफ होंगे, एक ऊपर की तरफ बाहर, एक ऊपर की तरफ अंदर। तो ये हमारे पास H2O2 की स्ट्रक्चर होगी। ये तो चलो क्लियर है, H2O2 हमारे पास है, H2O2 लिखें इसको। तो एक तरह से हमारे पास ये जो बॉन्ड एंगल है वो 101.9 आ रहा है, और वही याद रखना है। जबकि आप जानते हो H2O के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104.5। तो H2O के कंपेयर में बॉन्ड एंगल अलग है। अब मुझे कुछ और बताइए, पहला पॉइंट कौन ज्यादा पॉलर है? लिखते जाइए, H2O2 इज मोर पॉलर, मोर पॉलर देन H2O। दूसरा पॉइंट, H2O2 इज लेस स्टेबल देन H2O। यही कारण है कि H2O2 को आप जब भी रखोगे तो कहाँ रखना पड़ेगा? एक कोल्ड स्टोरेज में बंद बोतल के अंदर रखना पड़ेगा, नहीं तो डिकम्पोज हो जाएगा। किसमें? H2O में। और किस तरह से डिकम्पोज होता है समझते हैं। ये मान लीजिए H2O है आपके पास, H2O2, और ये क्या बन जाएगा डिकम्पोज होके? H2O प्लस हाफ O2, इस तरह से डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है? अब छोटी सी बात को लेके समझना है अपन को। मैं एक लैब में गया जहां H2O2 की बॉटल रखी हुई थी, अंधेरा था और H2O2 की बॉटल देखने को मेरे को मिली। पता है उस पे क्या लिखा हुआ था बॉटल पे? 20V। 20V का मतलब मुझे लगा कि ये 20 लीटर की बॉटल है, समझ में आ रहा है, यही सोचूंगा। लेकिन फिर लगेगा क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं था H2O2 के बारे में, तो 20V का मतलब 20 लीटर समझ लिया। लेकिन थोड़ा तो जानता हूँ कि 20 लीटर की बोतल इतनी छोटी तो नहीं होगी, बड़ी होती। तो फिर मैं क्या सोचूंगा, लगता है लिखने वाले ने गलती कर दी,
जब आपकी नॉलेज कम होती है तो अपन गलती सामने वाले की मान लेते हैं। तो वही मेरे को लगा कि यार सामने वाले ने बेवकूफी कर दी, उसे गलत लिख लिया है, उसे यहाँ पर 1 लीटर की लिखना चाहिए था, 20 लीटर की नहीं है। मैंने काट के 20 लीटर को 1 लीटर लिख दिया। फिर सामने वाले आया जो लैब का मालिक है, लैब का असिस्टेंट है, उसने कहा मैंने बिल्कुल सही लिखा है, 20 V का मतलब है कि ये 1 लीटर बॉटल 20 लीटर ऑक्सीजन देगी। क्या देगी? 20 लीटर ऑक्सीजन देगी। मैंने कहा अच्छा, तो 1 लीटर 20 कैसे दे देगा? उसने कहा इसलिए क्योंकि H2O2 लिक्विड है, और लिक्विड जब गैस में चेंज होती है तो उसका वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ता है, तो गैस का वॉल्यूम तो ज्यादा होगा, 1 लीटर हो सकता है 10 लीटर बोल रहे हो, ज्यादा भी हो सकता है। मैंने कहा ये बात बिल्कुल सही है, 1 लीटर H2O2 कितनी दे रही है? 10। तो इसको हम एक नाम दे रहे हैं और उसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। लिखते जाए ऑफ H2O2। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? इट शो द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस लिबरेट बाय 1 लीटर ऑफ H2O2 सैंपल, H2O2 सैंपल एट STP। पूरा हम STP पे ही बात करते हैं, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। एंड यूनिट ऑफ इट, यूनिट भी कर देंगे बात, यूनिट ऑफ इट इट्स वी वी, या फिर हम VS लिख देते हैं। VS का मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ, V का मतलब भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ही है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? जैसे मोलरिटी निकालते हैं, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करके, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे हम? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कैसे निकालेंगे हम? ये ऐसे निकालेंगे, वॉल्यूम लिबरेटेड वॉल्यूम, लिबरेटेड वॉल्यूम ऑफ O2 गैस ये लीटर में रखेंगे, और गिवन वॉल्यूम ऑफ H2O2 ये लिक्विड होगा इन लीटर, ये भी लीटर में। बस अंतर ये है कि ये O2 गैस है और ये H2O2 लिक्विड है। और जनरली आप अगर देखोगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमेशा आपको क्या दिखाई देगी? एक से बहुत बड़ी वैल्यू दिखाई देगी, बड़ी नहीं बहुत बड़ी, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकती है। अब मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि ये देगा, तो मैं भी क्या करता हूँ, लैब में जाता हूँ, जहाँ वापस वही वाली बॉटल देखता हूँ, क्या लिखा हुआ था उसमें? 20 V, ढक्कन लगा हुआ था, मैंने ढक्कन खोल दिया, और जैसे ढक्कन खोला एक जलती हुई माचिस की तीली ऊपर लेके चला गया। तो O2 में जैसे कोई चीज़ लेके जाएंगे तो वो तेजी से जलेगी, तो जल रही थी, मेरे को विश्वास हो गया, मैंने क्या करा, ढक्कन लगा दिया। लेकिन खोलने और लगाने के दौरान 1 लीटर O2 गैस निकल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे थम्सअप की बोतल खोलते हैं अपन, बहुत सारी CO2 गैस निकलती है, अपन वापस लगा देते हैं कि अभी है, ठीक है ना, वैसे ही निकल गई। तो 1 लीटर O2 गैस निकल गई। तो बताइए मुझे कुछ पॉइंट, क्या ये 20 लीटर जो दे सकता था, अब क्या वापस 20 ही देगा या कम देगा? कम देगा। अब कितनी दे सकता है ये? 19, एक निकल चुका है ना, तो कितना निकल गया? एक निकल चुका है। तो ये वाला क्वांटिटी जो पहले 20 थी यानी 20 थी, अब कितनी रहेगी? 19। अब इस निकलने के दौरान H2O2 किसमें डिकम्पोज हुआ होगा? H2। अब इसमें प्योर H2O2 नहीं है, अब इसमें क्या है? H2O2 भी है और एंड H2O भी है, मिक्सचर है, सैंपल हो गया ये, हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए ये जो पहले 1 लीटर का सैंपल रखा था, अब ये 1 लीटर से ज्यादा होगा या कम रहेगा या लगभग लगभग उतना ही रहेगा? उतना ही रहेगा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि H2O2 और H2O की डेंसिटी में कोई खास फर्क नहीं है। तो जब H2O2 डिकम्पोज होकर H2O बनाएगा तो ऐसा लगेगा बॉटल वैसे की वैसी भरी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे थम्सअप की बॉटल में से, हो सकता है 1 लीटर की थम्सअप की बॉटल है, 1 लीटर CO2 निकल जाए, तब भी बॉटल का वॉल्यूम वही रहता है ना, वैसे ही इसमें 1 लीटर में से पूरी गैस निकाल लो तब भी ऑलमोस्ट वैसा ही दिखेगा, क्योंकि H2O2 डिकम्पोज क्या बन करके क्या बना लेगा? H2।
तो बताइए ये क्वांटिटी पहले कितनी थी, 20 डिवाइडेड बाय 1, अब कितनी हो जाएगी ये, अब ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 19 डिवाइडेड बाय 1। तो नई वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, पुरानी माइनस लिबरेटेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वही रहेगा, तो कोई डाउट। तो इस तरह से आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे थोड़ा सा कमेंट कर सकते हो। मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हुआ, अगले दिन मैं वापस गया, फिर ढक्कन खोला, ठीक है, एक तो पहले ही निकल चुकी थी, सबको दिखाया अपने दोस्तों को कि उनको भी अच्छा लगे, वही माचिस की, अब वापस लगा दिया। लेकिन इस बार क्या है, सब देख रहे थे तो टाइम ज़्यादा लग गया खोलने में, 5 लीटर और निकल गई, एक कल निकल चुकी थी, कितने निकल गई, 6 लीटर, अब अभी भी कितनी है इसके पास, 14 लीटर, पक्का कोई दिक्कत नहीं है, 14 लीटर है, तो अब इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 14, आ रही है बात समझ में। अगले दिन एक इसका यूज होता है जनरली गोताखोर जो होते हैं ना, सुबह ड्राइविंग क्या बोलते हैं, तो वो जब अंदर जाते हैं तो वो इस H2O2 को यूज कर लेते हैं। अब वो ये यूज करने सोचे कि 20 लीटर देगी, तो 20 तो नहीं देगी, अभी कितनी दे रही है, 14, समझ में आ रहा है। तो मुझे हर बार जितनी निकाला उसके बाद वापस क्या करने चाहिए, स्टिकर चेंज करना जरूरी था, जिसे सामने वाले को मालूम हो, ऐसा नहीं है वो तो 20 लीटर सोच के गया था, पानी में नीचे उतर गया, आना भूल जाएगा, इतना लीटर लिखा है तो उतना ही शो होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। अगले दिन जब मैंने ये करा तो लैब के मालिक को पता चल गया, उसने ये बॉटल फेंक दी, उसने कह दिया कोई बात नहीं, जो किया वो सही है, और नई बॉटल लेके आ गया। और इस बार वो समझना, इस बार वो 2 लीटर की बॉटल लेके आया, कितने की, 2 लीटर की, बड़ी वाली ले आया, लिखा उस पे अभी भी 20V था। तो अब आप ये बताइए कि ये कितने लीटर O2 गैस दे सकता है, छोटा सा क्वेश्चन का आंसर है, 10 या 40। देखो 1 लीटर 20 लीटर दे सकता है, तो 40 लीटर देगा, समझ में आ रहा है, कितना दे सकता है, 40 लीटर। और मेरी आदतें वही है, आज भी माचिस लेके जाना और चेक करना, फिर गया मैं, तो मैंने इस बार चेक करते वक्त क्या करा, ढक्कन खोला, वापस लगा दिया, और उस पूरे दौरान में 1 लीटर O2 निकल गई, कितने निकल गई, एक। तो अब बताओ इसकी नई वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी, 1 लीटर O2 निकल गई, कितनी दे सकता है ये अभी, 40 लीटर दे सकता है, क्योंकि 1 लीटर 20 लीटर देगा तो 2 लीटर 40, 1 लीटर निकल गई, कितनी बची, 39, ठीक है, 39 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2, कितनी हो गई वॉल्यूम स्ट्रेंथ, 19.5, कुछ समझ में आया, पहले और अब में अंतर आ रहा है, मतलब कर क्या रहे हैं हम, कुछ बहुत नया नहीं कर रहे, कितनी O2 दे सकता था, 40, अब कितनी देगा, 39, 39 डिवाइडेड बाय गिवन वॉल्यूम ऑफ H2O2 सैंपल, वो पहले भी 2 लीटर था, अब भी 2 लीटर रहेगा, अब कितनी O2 निकाल लो तब भी 2 लीटर ही रहेगा। मैंने अपने दोस्तों को दिखाया, 5 लीटर और खत्म कर दी दिखाने के दौरान, अब नई वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी इस जगह, कैसे निकालेंगे, 40 थी, एक पहले निकली, 5 और निकल गई, तो -6 डिवाइडेड बाय 2, 34 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 70। देखो H2O2 के बारे में आपने वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ा, हम उसकी कुछ और कंसंट्रेशन यूनिट भी जानते हैं, जैसे मोलरिटी, परसेंटेज W/V, तो हमें अगर उनमें रिलेशन मालूम हो, मोलरिटी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये डेरिवेशन मैं मोल में कराता हूँ, मोल चैप्टर में, बस यहाँ फॉर्मूले लिखूंगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपके पास है और मोलरिटी से आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ आना है, या वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मोलरिटी पे जाना है, बात एक ही। तो कैपिटल एम इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय 11.2 होगा, अगर आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ 20 दे रखी है तो 20 डिवाइडेड बाय 11.2 करते हैं मोलरिटी आ जाएगी, और मोलरिटी आपको दे रखी है तो मोलरिटी को 11.2 से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2।
ये हमारे पास आ गया। एक और है हमारे पास परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, जनरली कम ही यूज होती है लेकिन होती तो है। तो ये होती है परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी की वैल्यू जो होती है वो आती है आपके पास 0.3 वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बराबर। वॉल्यूम स्ट्रेंथ को कैपिटल वी या वी एस दोनों लिख सकते हैं, 0.3 समथिंग, 303 लिखना चाहो तो और आगे लिख सकते हो, लेकिन 0.3 भी से भी काम चल जाएगा। एक होता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी क्या होता है एक तरह से, नानी नानी मम्मी से बड़ी होती है, यानी नानी इक्वल टू मम्मी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। तो एक तरह से नानी इक्वल टू मम्मी मल्टीप्लाई, और मम्मी की कितनी वैल्यू है, वी डिवाइडेड बाय 11.2, और वैलेंस फैक्टर कितना है, 2। तो नानी इक्वल टू मम्मी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी, वैलेंसी H2O2 की 2 है, ये याद रखना, यानी वी डिवाइडेड बाय 5.6। ये हो गया आपके पास 10, एक H2O2 चार्ट हो गया, जिससे आप कोई भी कंसंट्रेशन यूनिट को वॉल्यूम स्ट्रेंथ में या वॉल्यूम स्ट्रेंथ को किसी भी अलग कंसंट्रेशन यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या होती है। 2 लीटर सैंपल ऑफ H2O2 हैव कंसंट्रेशंस, कितनी कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, 1 m, 1 दे रखी है। इफ 1 m दे रखी है, इफ 10 लीटर ऑफ O2 लिबरेट बाय दिस सैंपल ऑफ H2O2 ड्यू टू ओपन द वॉल्व, या आप क्या बोल सकते हो, ओपन द वॉल्व ही लिख दीजिए, वॉल्व जो भी है, या जो इसका माउस है, एंड है, माउथ है, जो भी आप बोलना चाहो, वो ओपन कर दिया, उसकी वजह से O2 निकल चुका है। अब क्वेश्चन अभी बना नहीं है, अब बनेगा। देन फाइंड न्यू कंसंट्रेशंस इन मोलरिटी ऑफ H2O2, ऑफ H2O2। तो न्यू कंसंट्रेशंस क्या होगी, और ये आपको बताना है विद इन 30 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट होता है। मेरे पास एक आंसर आ रहा है 31/56। चेक करते हैं, चेक क्या करते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम O2 कैन लिबरेट बाय दिस सॉल्यूशंस, ये जो सॉल्यूशन है इससे मैक्सिमम O2 कितनी निकल सकती है वो आपने पढ़ ही रखा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल, क्या ये पढ़ रखा है आपने, सही है। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या से निकालेंगे अपन, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय 11.2, मोलरिटी कितनी दी गई है, 1 मल्टीप्लाई बाय 11.2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना दिया है, 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 22.4, ठीक है 22.4, इतना O2 निकल सकता है, कितना निकल गया, 10 लीटर स्वाहा बाहर निकल गया। तो इसके बाद आपके पास आएगा न्यू मैक्सिमम O2 कैपेसिटी कितनी होगी, 22.4 माइनस 10 कितना हो रहा है, 12.4 लीटर, ये आपके पास आया नई वॉल्यूम कैपेसिटी। तो जब आपके पास ये नई वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ चुकी है, या वॉल्यूम स्ट्रेंथ नहीं कैपेसिटी आ चुकी है, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोलरिटी न्यू
न्यू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जो कि न्यू वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है, 12.4 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया, ये नई वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ में किसका डिवाइड किया जाए, 11.2 का। तो जब आप 11.2 का डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, मोलरिटी नहीं, तो ये आ जाएगी आपके पास लगभग, आंसर क्या आएगा आपके पास, 2 से इसको क्रॉस करो, 6.2 डिवाइडेड बाय 11.2, ये आपका आंसर आना चाहिए। और यूनिट आएगी इसकी मोल पर लीटर, लिखें इसको।